बैतूल जिले के आठनेर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम मांडवी में मंगलवार शाम 5 बजे बोरवेल में गिरे बच्चे तन्मय पिता सुनील साहू 8 साल को सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 400 फीट गहरे बोरवेल में तन्मय 38 फीट पर करीब 70 घंटे से फंसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही NDRF और SDRF की टीम के द्वारा बोरवेल के समानांतर 40 फीट का गड्ढा कर करीब 9 फीट की सुरंग बन चुकी है। अब महज 3 फुट सुरंग बनना बाकी है, इसलिए अब मशीनों का उपयोग बंद करके ड्रिल हाथों से की जा रही है ताकि तन्मय को किसी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पहले दिन से ही नजर रख रहे कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस लगातार रेस्क्यू कार्य देख रहे हैं और कलेक्टर आज सुबह सुरंग बनाई जा रही है उसका निरीक्षण करने के लिए भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। वहीं जाम सवारी के पंडित धनराम महाराज ग्राम मांडवी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चर्चा में कहा कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तन्मय को कोई नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि तन्मय कोमा में जरूर जा सकता है लेकिन उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर आज हमने कहा चलो बैतूल गए, चलो इसलिए हम चले आए। क्या तो बच्चा भले कोमा में चला जाए बाकी जीवित होगा ऐसा मेरा एक अनुमानित बता सकते हैं। वर्तमान में हम तन्मय से लगभग 3 फुट 3.5 फुट की गहराई पे हैं और वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है वो हमारी लगभग 9 फुट 9.5 फुट तक हो चुकी है। आखिरी का 3 फुट से थोड़ा सा कम, लगभग 3 फुट आप मान लें बचा हुआ है। अभी जो 9 फुट की ड्रिलिंग हुई है उसका मलबा रिमूवल का कार्रवाई चल रही है। जैसे ही वो मलबा खत्म हो जाएगा और शटरिंग डल जाएगी फिर आखिरी के 3 फुट को हम हिट करना शुरू करेंगे। गड्ढा खोदा गया है समानांतर और उसे बचाने की हर भरसक कोशिश की जा रही है। लगातार एसटीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अधिक जानकारी के साथ राजेश जुड़ गए हैं। राजेश क्या अपडेट कुछ है आपके पास, क्योंकि लगातार 72 घंटे 74 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है और कहा यह जा रहा था सुबह जो अपडेट आई थी कि अब 3 फीट की दूरी पर बचा है, लेकिन अब तक कितनी खुदाई हो सकी है? चट्टाने आ रही हैं, काफी दिक्कत आ रही है एसडीआरएफ एनडीआरएफ को, कितनी दूर और बच्चा बचा हुआ है? और ये भी अपडेट साथ में जानना चाहूंगा कि बच्चे की ऑक्सीजन के लिए क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी एक्टिविटी है, मूवमेंट है बच्चे में कि नहीं है। जी दीपक जी, आपको मैं बता दूं कि लगभग 72 घंटे होने को आए हैं और तन्मय जो बोरवेल में फंसा हुआ था तो उसके समानांतर गड्ढा किया गया हुआ है और उसको ऑक्सीजन के लिए 3 सिलेंडर यहाँ पे रखे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। तो ऑक्सीजन तो पहुंचाई जा रही है लेकिन तन्मय की तरफ से अभी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा है। 6 तारीख से रिस्पांस नहीं हम मिल पाया है उनकी तरफ से। ठीक है, अभी कार्य प्रगति कर कहां तक पहुंचा है? जो रेस्क्यू ऑपरेशन है हाथों से ड्रिल की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि 2-3 फीट ही बचा हुआ है अब ड्रिल करने के लिए और उसके बाद तन्मय को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब तक कितनी दूरी और बची है, कहां दिक्कत आ रही है, जो कितना वक्त लग रहा है? हाँ, अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 3 फीट की ही दूरी पर तन्मय है और मशीनों का उपयोग वहां पे बंद कर दिया गया है, तो हाथों से खुदाई की जा रही है और क्या है हार्ड रॉक होने के कारण थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है उसमें खुदाई में पानी, और खुदाई जैसे ही होती है उसमें फिर पानी भी आ जाता है, फिर पानी को खाली करके फिर वापस खुदाई करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है उसमें। ठीक है, पर जिस तरह से देखा जाए राजेश कि जब तन्मय जहाँ पे गिरा हुआ है वहां पर पानी नहीं है, पर जब ये खुदाई की जा रही है तो पानी वहां से कैसे आ रहा है, उससे कैसे जूझ रही है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम? जी हाँ, आपको बता दें कि ये जो बोरवेल था एक्चुअली ये सूखा पड़ा हुआ था और 4 साल से ये सूखा बोरवेल था और वहां पे क्या करा था उन्होंने बोरी रख दी थी और उसमें जब ये बच्चे लोग वहां पे बाजू वाला जो बोरवेल की पूजा पाठ करने आए जिस दिन, तो सभी बच्चे लोग वहां पे रेस्टी खेल रहे थे तो वो झाड़ी लगी हुई थी उसी में बच्चा जाकर के छुपा, फिर जब उसकी बहन ने बोला कि अब घर चलते हैं तो वो एकदम से कूद के बाहर निकलने की कोशिश किया तो वो बोरे पर ही कूद गया और इसलिए वो अंदर गड्ढे में चला गया, लेकिन वो बोरवेल सूखा है। लेकिन समानांतर जो खुदाई की जा रही है तो उसमें कहीं ना कहीं पानी ऊपर का रिस्क करके जो आ रहा है उसके कारण पानी आ जा रहा है उसमें। लगातार मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट हो चाहे छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट हो, तन्मय जैसे पिछली सब कई दफा ऐसा हो चुका है कि जब बच्चे बोरवेल में गिरे हैं सरकार सख्त चेतावनी देती है कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं छोड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी और उस बोरवेल जिसका है उस मालिक की होगी। ये कहाँ आदेशों में कमी रह जाती है, कहाँ लापरवाही रह जाती है कि तन्मय जैसे न जाने कितने बच्चे बोरवेल में समा जाते हैं, कुछ तो उनकी मौत हो जाती है तो कुछ कैसे भी करके बचा के निकाल लिए जाते हैं, कहाँ ये लापरवाही आ रही है शासन के आदेश के बावजूद?
हाँ यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से और ग्रामीणों की तरफ से ये लापरवाही तो जरूर हुई है कि उस गड्ढे को व्यवस्थित तरीके से जब उसमें पानी ही नहीं लगा तो बंद कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको खुला छोड़ दिया गया और बोरा डाल करके उसमें जो झाड़ियां लगा दी थी तो उसी में बच्चा छुपने के लिए गया और ये हादसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक महाराज जी भी पहुंचे हैं और वो बता रहे हैं अपनी भविष्यवाणी या जो भी उनका ज्ञान हो उससे वो कह रहे हैं कि उस वो सब कुछ ठीक है, हो सकता कोमा में गया हो लेकिन वो ठीक है। तो उनका ये क्या कहने का तात्पर्य था और वो कब से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? ये बैतूल जिले के पास छिंदवाड़ा का यह प्रसिद्ध जाम सावरी मंदिर है, वहाँ के हनुमान जी मंदिर के ये महाराज जी हैं और महाराज जी अक्सर इस गांव में आते हैं और यहाँ पे कथा वचन वगैरह सब करते हैं और इनके परिजनों से भी उनके जान पहचान है। तो उन्होंने उनके माता पिता से, तन्मय के माता पिता से मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया कि तन्मय को कुछ नहीं हुआ है, अगर वो नहीं भी रिस्पॉन्स कर रहा है तो हो सकता है वो कोमा में चला गया हो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन दी जा रही है तो तन्मय जिंदा है ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की टीम वहां पर मौजूद होगी, वो क्या कह रही है कि मूवमेंट नहीं है, काफी वक्त हो गया है, क्या हो सकता होगा, क्या अनुमान लगा रहे हैं? हाँ, डॉक्टर की टीमें तो यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पर 6 तारीख से तन्मय का रिस्पांस जो था वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, पर ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है और आधिकारिक तौर पर डॉक्टरों ने ऐसा कुछ बयान नहीं दिया है, वो तो बोले जब रेस्क्यू होगा उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है और देंगे भी नहीं जब तक वो चेक ना कर लें। जाहिर है लेकिन जिस तरह से वो ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना मूवमेंट कर रहा है, उसे जरूर माता पिता की भी चिंता बढ़ गई होगी कि आखिर वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है तो कोई गलत खबर उन्हें ना सुनने को मिले। लेकिन एमकेएन न्यूज भी यही प्रार्थना करता है कि वो बच्चा सकुशल बाहर आ जाए और अपने माता पिता के पास पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी साझा करने के लिए। जिस तरह से हमारे सहयोगी के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार डॉक्टर की टीम वहाँ मौजूद है, 3 सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे गए हैं, लगातार उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन बच्चे की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिससे जाहिर सी बात है कि चिंता का विषय उसके माता पिता परिवारजनों के लिए भी है और जो लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए भी है कि बच्चा आखिर मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है, सही सलामत है तो नहीं है कि नहीं। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कुछ और दूरी बची हुई है ड्रिल करने के लिए, हाथों से ड्रिल हो रही है क्योंकि चट्टानें आ रही हैं, मशीन का उपयोग ड्रिल करने के लिए नहीं किया जा रहा क्योंकि नजदीक बच्चा पहुंच गया उसके। अब देखने वाली बात होगी कि कितने समय में उस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाएगा और उसके बाद शायद यहां पर एम्बुलेंस ऑलरेडी मौजूद होगी जो कि सीधे उसे हॉस्पिटल लेके जाएगी और मे बी ऐसी आशा है और एमकेएन न्यूज भी ये उम्मीद करता है कि बच्चा सकुशल बाहर आएगा।